गए हूँ खारे, अब मैं उनको भगाऊंगी यहाँ से। दोस्तों देखो भाभी कहाँ गई है पेड़ में। हाय एम यो ना दियो, हाँ उबी दियोगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं और भाभी आए हैं बांझ के लिए। तो मतलब मैं भाभी के साथ आई हूँ आज, मतलब भाभी लोगों का खेत है तो इन्हीं के यहाँ से मुझे भी ले जाना है आज बांझ। तो हम ऐसा करते हैं, एक दिन भाभी हमारे यहाँ आती है हमारे खेत में तो हमारे ही पेड़ पर बांझ काटते हैं, और एक दिन मैं भाभी के साथ आती हूँ तो आज मैं भाभी के साथ आई हूँ और भाभी पेड़ पे जा रखी है। तो मुझे देख के ही डर लग रहा है, को नहीं लगता है भाभी मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ों में जाती है और मुझे तो देख के ही डर लग रहा है, बहुत बड़ा पेड़ है। दोस्तों देखो भाभी कहाँ गई है पेड़ में। हाय ये मैं यो ना दियो, हाँ उबी दियोगा। आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मतलब कभी कभी मैं दूसरी भाभी के साथ आती हूँ जो पेड़ पे नहीं जा पाते हैं, और मैं वीडियो में बताते रहती हूँ कि ये पेड़ पे नहीं जाते हैं, तो वो दूसरी भाभी हैं और ये भाभी दूसरी हैं, ये प्रियंका भाभी हैं जो मेरे साथ ब्लॉग में आती रहती हैं स्टार्टिंग से ही। तो ये प्रियंका भाभी हैं मतलब जो पेड़ पे जाती हैं, और वो वाली नहीं जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली बांझ की भारी लगी, दोनों भारी लगा दी है भाभी ने, मेरी वहाँ पे है वो देखो, और ये भाभी की है यहाँ पीछे पे। तो भाभी बहुत बड़े पेड़ में जा रखी थी, बहुत आफत आ गई, बोल रहे हैं थकान लगी है ना, थकान लगी। जरा हेलो हाय तो कर दो, तुम भी जान दिनों में नहीं आए, कैसे हो? तो दगड़े बहुत बड़ो डाव डाव छे और बहुत थोक लगी ई मैं नहीं खाए ने था गोम सुदी नहीं खाए तो गोम नहीं खाए हम गोम हूं ये चमार जिंदगी क्या कहन जिंदगी ये हमारी जिंदगी ये भारू मा हमारी जिंदगी जिंदगी यो जिंदगी पार मुझे यो जिंदगी यार जी। तो दोस्तों सच में बहुत बड़ा पेड़ था और मुझे भी देख के डर लग रहा था, पर भाभी को ये है कि भाभी बहुत बड़े बड़े पेड़ में जाती है तो आदत भी है। और सच में बहुत कष्ट है गांव की लाइफ में, डेली मतलब डेली रूटीन बहुत मुश्किल होता है। और आज तो ये अपने ही खेत में आए हैं, कभी कभी जंगल भी जाते हैं तो जंगलों में भी ऐसे ही जाना पड़ता है बहुत बड़े बड़े पेड़ों में। और पेड़ों में आपको पता ही होगा पेड़ में जाना है फिर पूरी भारी बांझ की भी करनी है तो बहुत आफत है। तो दोस्तों अब हम भी चलते हैं, भाभी को पानी प्यास लगी तो नीचे पे जहाँ पे वो टंकी है तो वहाँ पे रुकेंगे हम और वहीं पे मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों बाय, तो चलो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। पानी की टंकी पे हम पहुँच गए और मुखड़ी देखो लाल हो गई भाभी की और मेरी भी। तो थोड़ी देर पानी पीते हैं, तो ये है हमारा पानी पीने का ग्लास। दोस्तों अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं और अभी बन रहा है दिन का खाना, तो आज खाने में बन रहा है कढ़ी चावल। और ऋतिक यहाँ पे है मेरे साथ हेल्प करने के लिए और यहाँ बहुत धुआं भी हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये बन रही है कढ़ी और ये है ऋतिक। तो चावल बन गए हैं और ये कढ़ी बन रही है और ये सुबह की सब्जी थी तो ये भी खाएंगे हम इसके साथ। कड़ी उबल रही है अभी और मैं जा रही हूँ बगीचे में, तो मैं बगीचे में धनिया और लहसुन के पत्ते लेने जा रही हूँ। तो जब तक कड़ी में धनिया और लहसुन के पत्ते नहीं डालोगे तो तब तक कड़ी का कोई टेस्ट नहीं आता है। ये
तो दोस्तों ये रहा धनिया और यहाँ से निकालती हूँ मैं अब। और ये है लहसुन के पत्ते। तो दोस्तों ये रहे लहसुन और धनिया के पत्ते। तो ये इतने से हो जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं। तो ये रहे और ईसा भी बना रही है खाना। ईसा भाप बड़ी है बड़ी करता। तो दोस्तों खाना भी बन गया और थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। थोड़ा वेट करते हैं। कृष्णा कोचिंग गई है और अंशु का भी आज पेपर है, तो आज से बोर्ड भी स्टार्ट हो गई है। तो अंशु बोर्ड वाला है अभी, तो अंशु का भी आज पेपर है, तो थोड़ी देर उन दोनों का वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर में खाएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं क्या मस्त वाली नींद में सो रखी थी और अभी मुझे भाग भाग के जाना पड़ रहा है। सारी नींद ही खराब होगी, पूरा मूड खराब हो गया मेरा। तो हमारे गेहूं वाले खेत में किसी की गाय आ रखी है, पता नहीं किसकी है, गांव वालों की। तो उन्होंने हमारे सारे गेहूं खा दी, अब मैं उनको भगाऊंगी यहाँ से। मुझे इतनी अच्छी नींद आ रखी थी खाना खा के, पर करें क्या। दोस्तों ये देखो हमारे से आ रहे गेहूं खा गए इन्होंने। यहां से जाऊंगी मैं। ये देखो इन्होंने मेरी नींद खराब की है दोनों ने। दोस्तों सच में मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन अब पूरी नींद खराब हो गई है और मौसम भी खराब हो गया है। उधर से बारिश शुरू हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि जो बारिश जल्दी जल्दी इधर आ जाए, क्योंकि खाली मौसम खराब हो रहा है डेली डेली और बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है बस। तो मैं भी घर चलती हूँ अब। और सामने पे ये रहा हमारा गांव और वो उस किनारे रहा हमारा घर, वहाँ पे ठीक ये रहा हमारा घर। तो चलो दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी उठ के आ रही हूँ। तो घर में कोई भी नहीं है, सब इधर उधर जा रखे हैं और मौनी लोग लकड़ी लेने जा रखे हैं। हमारे गांव में एक शादी है अगले महीने, तो उनकी शादी की लकड़ी लेने जा रखे हैं मौनी लोग। और बाकी कोई नहीं है घर पे, बस ऋतिक और मिलन है छत में घूम रहे हैं ये दोनों। ये है ऋतिक और ये है मिलन। हाय मिलन, हाय।
दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नीतू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।